तो क्या वहाँ सवेरा नहीं होता है? अरे होता है। हितेश बाबू, जनार्दन और नटवर, सुनो, एक तो बात बता रहे हैं। बताओ। ये भीमराव उहे करता है जौनू चाहता है। पहले तो बस अपने घर में मनमानी करत रहा, लेकिन अब वो हमारे परिवार के साथ भी करने लगा है। एकर कुछ तो हिसाब करने का पड़ेगा। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो वो भीमराव राज करेगा हम सब पर, और हम उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सबको गुलामी करनी पड़ेगी उसकी। देखो, हम जब से राजकोट से आए, तब से सबको कह रहे हैं कि भीमराव की बातों से, भीमराव से, भीमराव के परिवार वालों से खुद भी बचो और अपने परिवार वालों को भी बचा। लेकिन मेरी सुनता कौन है? कोई नहीं। अरे नहीं हितेश भाऊ, उठिए सब लोग, चाय पी लीजिए। अक्कल ठिकाने आ गई। रात भर में समझ आ गया कि पति क्या होता है। अब चाय पियो और घर चलो। भाइयों, ये छोटी जाति की औरतें सब भाग के ही लगता है, बस यही दिखाई दे रही है। ये हमारी पत्नियां बनी ही इसलिए हैं कि हमारी सेवा कर सकें, हैं? हमारी आज्ञा का पालन करें, हमारे बच्चों को संभालें। इसलिए नहीं कि हमारा विरोध करें, क्रांति करें और ये धरना करें। पी लीजिए, आराम से पीजिए, क्योंकि ये ना हमारे हाथों की आखिरी चाय है। और हम जा रहे हैं, हाँ, हमेशा हमेशा के लिए अपने मायके जा रहे हैं। मायके जा रही हूँ मतलब? मतलब ई के हिया रहे से भी का फायदा? रास्ता तो है नहीं हमरे पास, तो जब हिया भी अकेले ही रहे के है, तो हिया काहे रहे, कहीं और जाके काहे ना रहे अकेले। पागल हो गई हो क्या तुम सब? अब जो हो गई हूँ सो हो गई हूँ। क्या बोल रही हो तुम? आयो, ये सब इस भीम की वजह से हो रहा है। क्या बार बार मेरे पति को दोषी बताकर उनकी तरफ उंगली मत उठाइए। अपने अपनी पत्नी से बात कीजिए ना। और आप सबको किस बात का गुस्सा है? इनके रहने नहीं रहने से क्या फर्क पड़ता है? हमने आप लोगों के लिए चाय नाश्ता मंगवाया है, बस अभी थोड़ी देर में आ रहा है। आप सबको तो इनके यहाँ से चाय नाश्ता पानी मिल रहा है, फिर क्या जरूरत है आपके जीवन में औरतों की? तो चलिए, हम सब जने अपने अपने मायके चलत है। ज्यादा से ज्यादा मायके में नौकरानी की तरह न जिए के पड़ी, यह कौन सा महारानी की तरह जी रहे ससुराल में? यह तो नौकरानी की जिंदगी जी रहे। जैसे यह नौकरानी, वैसे अपने मायके में नौकरानी, क्या दिक्कत? ऐसा कैसे कर सकते हैं? समाज कुछ भी कर सकता है। सही कहा आपने, समाज कुछ भी कर सकता है, और इसीलिए ये औरतें जो कर रही हैं, वो समाज के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए ही कर रही है, इसलिए वो भी सही है। अभी के अभी फैसला करो, सरला को मुआवजा दोगे या समाज से बाहर जाओगे?
दे देते हैं मुआवजा। वैसे भी समाज से बाहर कैसे रहेंगे? हाँ दे ही देते हैं। ठीक है देंगे मुआवजा। ए सरला तू यहीं रुक, तेरा मुआवजा हम लेकर आते हैं। चलो जी। रमा तुम आगे आओ, हम सब मिलकर तुम्हारा सम्मान करेंगे। आओ बेटा। डलिया माँ, रमा ने ऐसा कौन सा काम किया है कि आप लोग उसका सम्मान कर रहे हो? हमें भी बताओ, हम लोग आज ही गांव से आए हैं। हाँ मैं भी अभी मायके से आई हूँ। मुझे भी बताओ ऐसा कौन सा काम किया है रमा ने? बहुत बड़ा काम की है रमा, औरतों के हक की लड़ाई जीत के आई है। अरे बात की बातें बाद में करेंगे, पहले रमा का सम्मान करते हैं। आ बेटा। सच में तुमने बहुत बड़ा काम किया है, आगे जाओ जाओ। आओ आओ। रमा बेटी इधर। लो बेटा मुंह मीठा करो। अच्छी बनी है। अरे मुझे क्यों? बस बस पापा, मैंने अपनी सास को कभी देखा नहीं है, मगर आपको देख के ऐसा लगता है कि मेरी सास भी आपकी जैसे ही अच्छी होगी। हम तब से भी बहुत अच्छी। बाला की पत्नी का अभी तक पता नहीं चला। मैंने बाला से पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भी शाम को बाला भैया के मोहल्ले में गई थी तो वहाँ के लोगों ने कहा कि बाला भैया तो आते जाते रहते हैं, मगर दीदी का पता नहीं। लेकिन रामा पता तो चलना चाहिए ना कि बाला की पत्नी कहाँ है। वाह वाह दामाद, बेटे की पत्नी गायब है तो आपको इतनी चिंता हो रही है, और खुद की पत्नी गायब है तो इसकी कोई चिंता नहीं आपको? उसकी खबर ले नहीं रहे आप। हाँ तो क्या करें, जीजा भाई की जिम्मेदारी आपने ली है ना, तो आप ही चिंता करो, हम क्यों चिंता करें? मेरा वो मुझे बताए बिगर चली गई तो मैं उसकी फिक्र क्यों करूं? लक्ष्मी बेटा एक काम करना, तुम कोकण चली जाना, आनंद से मिलकर आना। बहुत दिन हो गए उसकी कोई खबर बात नहीं। और हाँ उससे कहना अगर उसकी तबीयत ठीक हो गई है तो दो चार दिन के लिए यहाँ आकर जाए। ठीक है बाबा, मैं कल ही कोकण चली जाऊंगी। भीम, भीम, जल्दी बाहर आओ। ई लोग चाहे जौन योजना बना ले, लेकिन ई बार हम आपन आपन घर वाली का सबक सिखा के ही मानेंगे, ताकि वो लोग फिर से पहले जैसे हो जाए। हा? हम लोग जौन बोले उहे करे। हाँ ये भीम और रमा का ऐसा असर हुआ है हमारी पत्नियों पर कि वो बदतमीज हो गई है।
तो उन्हें तमीज सिखाओ। तुम सबको अपने मर्द होने का एहसास हो गया है ना? हाँ तो बस अब वो अपने आप औकात में आ जाएंगी। वो कैसे? देखो मर्द होना सूरज की तरह है और ये भीम रमा राम जी की नौटंकी बादलों की तरह। अब तुम लोग ही बताओ बादल कभी सूरज की चमक को ढक पाते हैं? देखो मालिक ने कितनी अच्छी तरह से समझाया और सब समझ भी गए है कि नहीं। बस ऐसे ही मर्दों की तरह अपने पत्नियों को काबू में रखो क्योंकि जीत हमेशा मर्दों की होनी चाहिए, है ना मालिक? बिल्कुल। है पागल, भीमराव को पढ़ा रहा है तू? अब नहीं पढ़ाओगे ठीक है? कौन? अब तो खून सिर्फ तेरे हाथ से निकला है, बाद में पूरे शरीर से खून ही खून निकलेगा। भीमराव, 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 भीमराव। गुरुजी, ये तो गुरुजी की आवाज है। गुरुजी, ये आपके हाथ को क्या हुआ है, दिखाइए। तुम कॉपी किताब निकालो, पढ़ाई करो। क्या? हाँ हाँ पढ़ाई करूंगा गुरुजी, लेकिन पहले बताइए तो सही, ये लगा कैसे? आप घायल है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो गुरु की आज्ञा की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। निकालो कॉपी पेंसिल, निकालो, पढ़ाई शुरू करो। हाँ भीम तो आ ही रहा था पढ़ने, आवाज देकर इसलिए जल्दी बुलाया ताकि तुम्हें जल्दी जवाब दे सकूं। खूब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, खूब सुना है मैंने। मैंने भीम को खुद डराया धमकाया लेकिन भीम पर कोई फर्क नहीं पड़ा। जब जब मेरे शिष्य पर कोई फर्क नहीं पड़ा तो गुरु पर कैसे पड़ेगा? तुम निकालो निकालो कॉपी किताब, लिखो लिखो। समाज की सबसे बड़ी धरोहर है उसमें रहने वाले लोगों का सभ्य होना। जिस समाज में सभ्य लोग नहीं रहते ना उसको पतन निश्चित है। क्या क्या कहा? हम सभ्य नहीं है हा? पगले, तो आज ये सारे असभ्य लोग ये बात बोलते हैं कि अगर तूने भीमराव को पढ़ाना बंद नहीं किया तो तुझे जात से बाहर कर देंगे, समझा? तुमने जो करना है कर लो। तुझे शायद मतलब समझ में नहीं आया ना? मतलब ये कि अगर तू पैसे लेकर ये भजिया खाने भी निकला ना, ना तो तुझे भजिया मिलेगा और ना ही भीख, समझा? तुम्हारे भाभी ने तुम्हें संदेश सुनाई बीच में? मैंने उनसे कहा था अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मायके में ही रहो। जब पति को कुछ बताना ही नहीं है उसके पास क्यों आई? ईसा भाई मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं, जवाब दो। कब से बोले जा रहा हूं तुम सुने जा रही हो? बेवकूफ नहीं हूं मैं, मेरे सवाल का जवाब दो।
अभी जब मैं मेरे मायके गई थी ना, वहाँ एक बहुत बड़े ज्योतिष मिले मुझे, बहुत पहुंचे हुए। तो उन्हें बताया मैंने कि मेरे ससुराल में सब लोग बहुत सवाल करते हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत ही अच्छा उपाय बताया। पूछिए कौन सा? पूछिए ना। कौन सा? यही कि जब कोई ज्यादा सवाल करने लगे तो मौन व्रत धारण कर लूं, और अब से मैं यही करने वाली हूँ। अच्छा, मतलब तुम कुछ भी कहो, कुछ भी करो, तुमसे कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब ना दो, ऐसा नहीं चलेगा, मैं चलने नहीं दूंगा। भाऊ, आपके पास कुछ काम है क्या? नहीं, कोई काम नहीं है। रमा भाई, कितने निर्दयी लोग हैं। कोई बात नहीं, मैं देता हूं तुम्हें काम रमा भाई। अरे भूल गई क्या, तुम्हारे पति को भी काम दिया था ना, एहसान भूल जाते हैं ये। अच्छा चलो ठीक है, जितना ये व्यक्ति आज के काम का पैसा तुम्हें देता, उससे दुगना पैसा दूंगा मैं तुम्हें, सिर्फ आज का काम है। बोलो करोगी? पता है रमा, मैंने उनसे कहा था कि जब अगली बार कोकण आऊंगी तो महीने भर की दवा, फल फूल सबका खर्चा लेकर के आऊंगी, लेकिन देखो ना, इन 2 महीनों में ढंग से 10 दिन के भी पैसे नहीं जोड़ पाई। कोई बात नहीं दीदी, आप इन पैसों को तो लेकर जाइए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। रमा, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास सिर्फ एक उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, और ज्यादातर हमारा जीवन इसी अभाव में बीतता है, और फिर यही अभाव हमारी आदत बन जाती है। मुझे पता था ये मेरे यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि घमंडी है ये। हाँ, लेकिन जब भाषण देना होता है तब बोलेगी कि सारा काम एक जैसा होता है, कोई भी काम बड़ा कोई भी काम छोटा नहीं होता, लेकिन जब काम करने का मौका आता है तब ये पलट जाती है ये। कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग गरीब पे गरीब ही रहोगे, मत करो काम। मुझे क्या है, मुझे तो दूसरा मजदूर मिल जाएगा। चलो मैं करूंगी काम। क्या काम है और कहाँ करना है बता दीजिए। ठीक है चलो, लेकिन एक शर्त, मालिक की शर्त तो माननी पड़ेगी ना रमा भाई। शर्त बताइए। बस यही शर्त है कि अपने पति भीमराव को भी साथ में लाना। अरे घबराओ मत, उसे भी दुगना पैसा दूंगा, ठीक है? चलो। क्या दुगना पैसा? हाँ, आप 10 गुना भी पैसा देंगे ना तो भी मैं अपने पति को लेकर आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगी, और मुझे पता है कि आपको हम दोनों से काम नहीं कर रहा, बल्कि मेरे पति की बेइज्जती कर, नहीं करना मुझे आपके यहाँ काम। जाइए। मैं तैयार हूँ। हम दोनों आएंगे आपके साथ काम करेंगे, आज वैसे भी रविवार है, कॉलेज जाना नहीं है, वकील साहब भी बाहर गए हैं तो ऑफिस भी नहीं जाना है। क्या कह रहे हैं आप, मैंने कहा ना आप काम नहीं करेंगे। रमा, तुम्हारा जो कारण है इनके यहाँ काम करने का, मेरा भी वही कारण है। मैंने तुम्हारी और भाभी की बात सुन ली थी। इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि हम भी इस अभाव से बाहर निकल सके।
हम दोनों मिलकर आनंद भैया के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। बताइए क्या काम है, हम आएंगे आपके साथ। जीजाबाई, मुझे तो पहले से ही पता था कि तू कोई ना कोई योजना जरूर बना रही होगी, और उस योजना में मैं तो शामिल हूँ ही। अब बाकी लोग जो नहीं शामिल हैं, उनको भी शामिल होने के लिए तैयार कर लूंगा। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन जीजा भाई, अभी जो तुम कुछ पैसे बांट रही थी उन लोगों को, अगर कुछ बचा हो और मुझे भी दे दोगी तो मैं भी तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और उन पैसों से नए कपड़े खरीद लेता। हितेश भाऊ, आप तो हमेशा से हमारे समर्थक रहे हैं, आपको कैसे वंचित रख सकते हैं। लीजिए, नए कपड़े खरीद लीजिए। अभी जो बोला हूँ वो करो। तुम फुलिया को देख करके जोर से पेट में दर्द होने का नाटक करो। जा 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 जा, जा। चूकू, कैसी बातें कर रहे हो, इसे अस्पताल ले चलो। ये मेरे घर का मसला है, अब देख ले भाई। अरे ना, आप अगर आपके दूर जाने से चूकू भाऊ को अच्छा लगेगा तो आप दूर जाइए। उनका दर्द तो ठीक कर नहीं सकते हैं, आए बड़े अस्पताल ले जाएंगे। कम से कम वो करिए जिनसे उन्हें अच्छा लगे, जाइए। भैया, जब से जीजाबाई मैं कैसे आई है, उसके रंग ढंग कुछ बदल से गए हैं। आप उसकी बातों से बुरा मत मानिए। अब यहाँ देखो, सब अतिथि आए हुए हैं। तुम पैसे पैसे पैसे, अरे दे दूंगा पैसे। मैं भी नहीं चाहता कि तुम दोनों का साया भी यहाँ पड़े। इसमें तुम दोनों की गलती नहीं, छोटी जात के होना, नहीं जानते दूसरों की खुशियों में खुश कैसे होते हैं। सही है आपकी बात, मैंने भी किताबों में यही पढ़ा है कि हमेशा दूसरों की खुशी में हमें भी खुश होना चाहिए। आपके घर ये कार्यक्रम है, ये कर लीजिए, पैसे बाद में दे दीजिए। बहुत खूब, हो खुश, चलो बैठ जाओ। नरोत्तम, ऐसी शुभ घड़ी पर क्यों इन मनुष्यों के मुंह लग रहे हो? आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। नरोत्तम, रेशम सेठ कहाँ है? दरअसल काका को कुछ काम आ गया था इसलिए वो बाहर गए। और आप सब लोग खड़े क्यों आए हो? बैठ जाइए। बैठिए बैठिए, सब बैठिए, आइए। ये हर्षोल्लास का समय है। पापा, मैं कुछ नहीं सुनने वाला हूँ। उधर ससुराल में आपकी बेटी अपने पति को खा गई, देवर पर डोरे डाल रही है, और यहां खुद शादी की सालगिरह मना रहे हैं। नहीं, अब मत चाहिए। संभालिए इसे, विधवा है विधवा। जो विधवा होकर भी विधवा धन का पालन नहीं कर रही है,
ना तो सिर मुंडवाया ना ही सात्विक जीवन जीने को तैयार है। अरे रखिए ऐसी बेटी को अपने पास। इसकी जिम्मेदारी तो हमने उसी दिन पूरी कर दी थी जिस दिन हमने इसका कन्यादान किया था। और इतना कष्ट क्यों किया तुमने इसे खींच कर यहाँ तक लाने का? रास्ते में नदी थी, कई कुएं थे, किसी में भी डुबोकर मार देते इसे। मुझे मरना नहीं है, मुझे जीना है। हम भी सुनना चाहते हैं कि आखिर इसके दिल में क्या है। हाँ बोलो, क्या बोलना चाहते हो तुम? देखिए मुझे बस इतना लगता रुको, है। रुको रुको रुको, थोड़ा सब्र करो। वो क्या है, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूँ, जब तुम्हारे पास आ जाऊंगा ना तब सुनाना। आज हमारी सालगिरह है, जो करेंगे साथ ही करेंगे। आओ अब बोलो, कहना क्या चाहते हो तुम? देखिए आपके समाज में रहने वाली विधवा औरतों के लिए जीवन जीना रोज मरने के बराबर होता है। कोई इतनी बड़ी हिम्मत नहीं दिखाता अपने घर परिवार के विरोध में जाके समाज से लड़कर। इतनी बड़ी हिम्मत आपकी बेटी ने दिखाई और फिर उनका हाथ थामने के लिए ये भी है उनके साथ। मुझे बस इतना लगता है कि आपको आपकी बेटी का विवाह इनके साथ करवाना चाहिए। हाँ, और फिर आप ये भी तो सोचिए, आपकी शादी के सालगिरह के दिन ये अवसर आया है कि आप अपनी बेटी को सारी खुशियाँ दोबारा दे सकते हैं। मैं खुश रखूंगा इसे। दिमाग खराब हो गया तेरा? नहीं अभय, ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी मैं, समझा? लेकिन आप जरा सोचिए ना, अगर आपने ऐसा होने दिया तो आपकी बहू का, आप दोनों की बेटी का जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। जान मत दे, चुप हो जाओ। बात कान खोलकर सुन लो, तुम उनके बीच नहीं जाओगे, वो उनके घर का मसला है। देखिए बाबा, मैं आपकी चिंता समझता हूँ, लेकिन नरोत्तम जोशी की बहन निर्मला। सिर्फ नरोत्तम जोशी की बहन क्यों? सुरेश, महेश, रमेश, नेहा, पूजा, इन सब के रिश्तेदारों में भी कोई ना कोई विधवा होगी। आप एक काम कीजिए, उन सबके लिए जाइए। कोई कहेगा कि आग में जलकर राख हो जाए, तो कोई कहेगा कि खाई में कूद के अपनी जान दे दो तो वो खुशी का पहाड़ बना देगी, तो कोई कहेगा कि चाकू लेकर खुद को मार दो, हम उस विधवा को उसकी जिंदगी दे देंगे। अरे एक भीमराव कितनी बार दूसरों के लिए खुद को खत्म करेगा, और क्यों करेगा? उतना ही करेगा ना जितना संभव हो। बेटा चलाने के लिए आपका जिंदा रहना भी जरूरी है, और तुम एक आग हो जो समाज की कुरीतियों को जलाओगे, लेकिन खुद को बुझने ना देना यह भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। और इस बात को तुम अच्छी तरह से समझ लो, पूरी दुनिया को तुम अकेले नहीं सुधार पाओगे ना ही संभाल पाओगे, लेकिन बस तुम उनकी मदद करने नहीं चाहोगे। क्या हुआ, आप इसे परेशान क्यों लग रहे हो? वो भीम को लेकर कुछ परेशान हूँ। वो नरोत्तम जोशी भीम को अपने घर लेकर गया। अंदर आने के लिए तुम्हें अपनी जान देनी होगी। क्या तुम तैयार हो अपनी जान देने के लिए और मेरी विधवा बेटी को न्याय दिलाने के लिए? हम ऐसे शांत नहीं बैठ सकते बाबा, क्यों लेकर आए? बाबा बताइए ना बाबा, रुक जाइए। भीम,
मेरी बात कान खोलकर सुन लो, तुम उनके बीच नहीं जाओगे, वो उनके घर का मसला है। ये भीम समझता क्यों नहीं, क्यों हर किसी के मामले में पड़ता है? पर बाबा आप मुझे तो हर बार समझाने आ जाते हो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ये गलत है, वो गलत है, और तो और अपनी पत्नी के साथ मुझे कैसे रहना है ये भी आप ही समझाने में लगे हो, लेकिन भीम को कुछ नहीं कहोगे, इसलिए बाबा मुझे माफ करो। इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, और उस भीम को समझाइए कि उस नरोत्तम से दूर रहे। बाला, तुम्हें और नरोत्तम जोशी में कोई फर्क नहीं, उसे भी अपनी बहन के दुख दर्द नहीं दिख रहे, और तुम्हें भी अपनों के दुख दर्द नहीं दिख रहे, और ना ही अपनी बीवी के, उसे भी अपने मर्द होने पर गुरूर है, और तुम्हें भी अपने मर्द होने पर गुरूर है। ऐसे देखा जाए ना तो तुम दोनों संवेदनहीन हो, और सबसे बुरा ये लग रहा है, मेरी ख्वाहिश थी कि हर घर में भीम हो, लेकिन हुआ यूं। समझ आया एक थप्पड़ में, यह और लगाऊं? देखिए बाबा, थप्पड़ मार मार कर आप चाहे मुझे मारी क्यों ना दें, लेकिन मैं मेरे फैसले से पीछे नहीं हटूंगा। पीछे नहीं हटूंगा? हाँ, तू समझ क्यों नहीं रहा है? हाँ बेटा, तू खुद को देख, इतना सुंदर है, नौकरी करता है, और एक से एक अच्छी लड़की मिलेगी तुझे विवाह के लिए, फिर तू क्यों उस विधवा के लिए मरा जा रहा है? हाँ क्यों अपने आई बाबा का नाम खराब कर रहा है? तेरा एक बेटा खा गई, तुझे भी खा जाएगी, तू क्यों अपनी आई बाबा का नाम मिट्टी में मिला रहा है? समझ क्यों नहीं रहा है? और तेरी भाभी भी है, कुछ तो लिहाज कर बेशर्म। अरे क्या आप लोगों ने भाभी है भाभी है भाभी है लगा रखा है? अरे भाभी से पहले वो एक औरत है, और हाँ आई मुझे तो कोई भी लड़की मिल जाएगी, लेकिन कभी आपने निर्मला के बारे में सोचा है कि उसका ध्यान कौन रखेगा, उसका ख्याल कौन रखेगा? आई बाबा, जब हम दो लोग मिलकर सारे हालातों को संभाल सकते हैं, तो फिर किसी तीसरे को क्यों लाना? आप इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? आई बाबा, समझिए समझिए मेरी बात को। उधर ससुराल में आपकी बेटी अपने पति को खा गई, देवर पर दोरे डाल रही है, जो विधवा होकर भी विधवा धन का पालन नहीं कर रही है। अरे रखिए ऐसी बेटी को अपने पास। इसकी जिम्मेदारी तो हमने उसी दिन पूरी कर दी थी जिस दिन हमने इसका कन्यादान किया था। विधवा हो तो विधवा धर्म के साथ रहना था ना। अपने देवर को फंसाकर ईश्वर की मर्जी से उलट जिंदगी देख रही थी। इनसे विवाह करने की पहल मैंने की, क्योंकि औरतों को भी मर्दों की तरह दोबारा जीवन शुरू करने का अधिकार होना चाहिए। अगर विवाह की बात अपनी जबान पर लाई तो तेरी जबान खींच लूंगा, समझा? विधवा है, देख देख मेरी बहन विधवा है, विधवा की तरह ही जीवन जीना है, ऐसे समझा? मुझे बस इतना लगता है कि आपको आपकी बेटी का विवाह इनके साथ करवाना चाहिए। आगे बढ़ और पार कर ले चौखट, फिर मैं अपनी विधवा बेटी का विवाह अवश्य कर दूंगा। भीमराव, जिस तरह तुम अपनी जान नहीं दे सकते, ठीक वैसे ही हम भी जाने नहीं दे सकते अपनी संस्कृति, अपनी परंपराएं, अपनी बाध्यताएं। मुझे पढ़ना होगा, पढ़ना होगा मुझे। शांत करो इन्हें, मैं जानती हूँ कि ये बार बार उन्हीं सब चीजों को याद कर रहे और परेशान हो रहे। रमा बेटी, मैंने वकील साहब से जाकर बात कर ली तो उन्होंने कहा भीम को ऑफिस में कुछ ज्यादा काम देकर उलझा कर रखेंगे, फंसा कर रखेंगे, ताकि उसे खाली समय ना मिले, और वो उन
चीजों को लेकर ना उलझे। सही किया बाबा आपने। लेकिन बाबा निर्मला जी का क्या होगा? पता नहीं, जब तक ये पूरा समाज नहीं बदल जाता तब तक ऐसी परिस्थिति में सबका जो जो होगा उसकी अपनी अपनी किस्मत होगी। कैसे लोग होते हैं ना इस दुनिया में, जो लोग कल तक आपके साथ थे आज वही लोग आई का जय जयकार करने लगे। कोई बात नहीं रमा, व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है अपने फायदे और नुकसानों का हिसाब वर्तमान में करना चाहता है, और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। बुराई क्यों नहीं है? बुराई है, और बुराई यह है आपका साथ छोड़ के वर्तमान के तो फायदे उठाए जा सकते हैं, पर पीढ़ियां नहीं सवारी जा सकती। और व्यक्ति अच्छा वो है जो सबके लिए एक साथ खड़ा हो, फिर चाहे उस सही को छोड़ने के लिए कितना भी प्रलोभन क्यों ना दिया जाए। और आपको पता है भाई अपने मायके से पैसे लाकर सबको क्यों बांट रही है? बांट नहीं रही है वो, प्रलोभन दे रही है, और ये वो गलत कर रही है। और आई के जाने में फंसकर सारी औरतें भी गलत कर रही है, यहां तक कि फुलिया काकी भी गलत कर रही है। अच्छा लगा ये सुनकर, ये जानकर कि तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन इस दुनिया में सब लोग रमाबाई जैसे नहीं सोचते। इस दुनिया में ज्यादातर लोग रमाबाई जैसे कभी हो भी नहीं सकते, और इस बात को हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। रमा, ज्यादा सोचो मत, चलो छोड़िए। क्या कर रहे हैं नरोत्तम जोशी? नहीं नहीं, ये अब नहीं जाएंगे अभी। कैसी बातें कर रही हो रमा? ये सब देखते हुए भी हम आंखें मूंद कर गुजर नहीं सकते यहाँ से। कुछ भी मत बोलो, चलो मेरे साथ। निर्धारित की हुई जीवनचर्या का ही पालन करेगी। अरे सुनो जनार्दन, नटवर सकाराम, जोखू इधर आओ, इधर इधर। अरे राम जी कहाँ है? अरे कहाँ ही गए भाई? अरे भीमराव ना फिर से नरोत्तम जोशी और बांकी से उलझ गया है। हाँ, तो सोचे जरा साहब राम जी को बता देते हैं। जब ये दोनों बाप बेटे दौड़ते हैं, भागते हैं, परेशान होते हैं ना, बहुत मजा आता है। बिल्कुल सही कहा तेज बाबू का। और कहाँ जाएगा, हरे में होगा, चलो मजा लेते हैं। कहाँ राम जी? सब कुछ सिखाना पड़ेगा क्या आप लोगों को? हर बात उन्हें बताना जरूरी नहीं है, कुछ बातें छुपानी भी चाहिए। उन्हें लग रहा है बेटा वकील के पास गया है उनका, इसमें वो उलझे पड़े। तो इस उलझन का मजा लेना सीखिए, और ये सोचिए कि भीम की उलझन और ज्यादा कैसे बढ़े। ठीक है नरोत्तम, तो जो जो ये लोग कहते जाए वो लिखते जाओ, उसे कागज दो। ठीक ठीक है। बताइए, ऐसा मत कीजिए, इन्हें दिनचर्या मत समझाइए, थोड़ा प्यार दीजिए, थोड़ा साथ दीजिए इनका। किस्मत ने पहले से ही बहुत बुरा किया है इनके साथ, आप लोग मिलकर मलहम तो लगाइए। हाँ तो आप सब लोग बताइए नियम। इसे अपना सारा समय पूजा पाठ और भजन कीर्तन में ही लगाना चाहिए। एक
का पाठ भजन कीर्तन करना होगा। खाने में सिर्फ सादा खाना, वो भी बिना मसाले का। क्यों? आप लोग ऐसे जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं किसी के ऊपर कि यही करना होगा ये नहीं करना होगा? क्यों? आप गलत कर रहे हैं। चलिए यही रहेगा तू, यही, और देखेगा। और बताइए, इसके पति की मृत्यु के बाद इसका जीवन आधा हो चुका है। सुधा, सुधा, सुधा। सर, ये किसे आवाज दे रहे हैं? सुधा मेरी बेटी है, उसे को आप बुला रहा हूँ। लेकिन वो है कहाँ कि आपकी आवाज सुन लेके? वही तो समझाना है, आवाज उठाने से भी अगर कहीं तक आवाज नहीं पहुंच रही है तो उस समय आवाज लगाने से कुछ नहीं होगा। चाहे जितनी आवाज लगा लो, इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं कानून का सिपाही हूँ, अदालत में लड़ सकता हूँ, समाज में शायद नहीं। तो इसलिए बेहतर यही होगा कि चलो ऑफिस में काम करने। पर सदियों से हमारी जात उनकी सेवा करते आई है, हम सेवकारी बनकर भी उनके घर के चौकट के अंदर नहीं घुस पाए, तो यहाँ उनका विद्रोह करके उनके घर के बेटे का सहायक बनकर कैसे हम उनके घर के अंदर घुस पाएंगे? तेरे वो सास ससुर यहाँ आकर कितनी बेइज्जती करके गए हमारे, देखा ना तूने? अरे हम पर तरस खा तू, भाई बाबा की सालों की कमाई सास को मिट्टी में मिला दिया तूने। ये जो नियम लिखी तुमने मिला, इसका तुझे पालन करना है, ताकि आई बाबा की जो साख इस समाज से गई है वो वापस आए। ये रोने धोने से, ये यूं फरियाद करने से कुछ नहीं होगा, कोई नहीं आएगा तेरी मदद करने। आई, चलिए, बहुत भूख लगी थी। रुकिए, कोई और मेरी मदद करे ना करे, ये मेरी मदद जरूर करेगा। आप सही थे भाव, मेरा पढ़ना लिखना आज काम आया। अगर मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता ना, तो मैं ये नाम भी नहीं लिख पाती। इसे भी फाड़ कर फेंक दीजिए, पर इससे मेरा विश्वास खत्म नहीं होगा कि भीम नाम का कोई है जो मेरी मदद कर सकता है। पाड़ूंगा नहीं इसे। ये यही रहेगा। ये बात हमेशा याद रहे कि मेरी अपनी बहन मेरे
मेरे दुश्मन के साथ है। क्या हा? क्या गलती है मेरी? बोलो क्या गलती है मेरी? यही इस समाज के बनाए नियमों का पालन करने के लिए तुझे कहा, यही कि तू विधवा है और मैंने कहा कि विधवा धर्म का पालन कर। यही बोल बहन, ध्यान से सुन निर्मला, क्योंकि आज से अभी से इसी वक्त से मैं नरोत्तम जोशी तुझे भाई और बहन के रिश्ते से आजाद करता हूं। देख यहां, क्या देख? अब देख तू मैं तेरे साथ क्या करता हूं। मैं अब भी उस भीमराव को सबक सिखा कर आता हूं। दिखाने लाया हूं। क्या है, विधवा धर्म के हिसाब से इसे जितना भोजन मिलना चाहिए था उतना ये खा चुकी, लेकिन इसे फिर भी भूख लगी है। भीमराव, इस लकीर के इस पार हम हैं और उस पार तू, अगर हिम्मत है तो लकीर पार करो, इसे रोटी खिला। बल्कि इसलिए इकट्ठा है ताकि आप ये रोटी लेकर बाहर जाए और वो सब मिलकर आपको हानि पहुंचाए। रमा, जब भूख चौकट पर खड़ी हो तो मनुष्य को डरना नहीं चाहिए। आज अगर मैं एक भूखे को रोटी नहीं खिला पाया तो क्या फायदा मेरे पढ़े लिखे होने का, क्या फायदा सपने देखने का, क्या फायदा मेरे संघर्षों का? मैं ये सब नहीं जानती, सब ये रोटी लेकर बाहर नहीं जाएंगे। मैं बाहर जाऊंगा रमा। नहीं जाएंगे। नहीं जाएंगे आप। लगता है भीम अंदर जाके छिप गया है। ये भीम रमा पति पत्नी क्या खेल खेलते हैं? कुछ समझ में ही नहीं आता। नहीं आएगा समझ में, क्योंकि भीमराव अंदर जाकर छुपा नहीं है। मैं बताता हूँ दरअसल वो लोग क्या कर रहे हैं। एक दूसरे को ज्ञान दे रहे होंगे। पहले रमा भीम को ज्ञान दे रही होगी, फिर भीम रमा को ज्ञान दे रहा होगा, और फिर यहाँ आकर अपने ज्ञान का ऐसा काला बादल फैलाएंगे जिससे इसकी भूख छिप जाएगी। यही होगा। भीमराव, भीमराव! संकट में आया तू बनके सहारा, तेरी मशाल ने दिखाया किनारा। संकट में आया तू बनके सहारा।
तेरी मशाल ने दिखाया किनारा, तेरी नवसा से खिला चमन, गोटी गोटी भी मराया तुझको नमन। रमा, तुम पत्नी हो मेरी। अगर इस तरह से फैसला सुनाऊं कि तो मुझे तुम्हारे फैसले का सम्मान करना ही होगा, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है तुम एक बार फिर से सोच लो। ये सोच लो कि हम दोनों भी कभी भूखे रहे हैं, हमें भी किसी ने रोटी खिलाई थी, या फिर ये सोच लो कि अगर मैं ये रोटी लेकर बाहर गया और जाके पूजा करके आ मंदिर में ले। हाँ निर्मला, रास्ते में सबसे माफी मांगते हुए जाना, कहना कि कल रात ज्यादा भूख लगी थी इसलिए रहा नहीं गया, समझी? समझी? जाओ तुम लोग, तुम्हारे नाक पे गड्ढा खुदवा दिया है हमने, कोई भी बात मानने में जरा भी ना नकुर की ना तो उसी गड्ढे में दफन कर देंगे तुम्हें। जी बाबा, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। भीम, भीम मेरे हाथ खोल दो, भीम भीम मुझे खोल दो। हाँ, उनका हाथ थामने के लिए ये भी है उनके साथ। मुझे बस इतना लगता है कि आपको आपकी बेटी का विवाह इनके साथ करवाना चाहिए। भीम, तुम इकलौते थे जो इस विवाह के समर्थक थे। मैं सच में निर्मला का सहारा बनना चाहता हूँ। अब तक तो मैं उन्हें भाभी कहता था, लेकिन अब मुझे उन्हें निर्मला कहना होगा। मुझे मेरे ही आई बाबा ने बांध कर रखा था, मैं किसी तरह से वहां से भाग कर आया हूँ और ये सोच कर आया हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं निर्मला को भगाकर ले जाऊंगा। और आई बाबा को जब तक पता चलेगा ना, भी इस बंबई से बहुत दूर जा चुका होऊंगा। देखिए, ऐसा मत कीजिए, आपको भागना नहीं चाहिए, यही रहकर डटकर परिस्थिति का सामना करना चाहिए। मैं खुद भागने के खिलाफ हूँ। नहीं भीम, मेरे पास उनका सामना करने के लिए और कोई तरीका नहीं है। तुम मेरी जगह नहीं हो ना, तुम मेरी परिस्थिति नहीं समझोगे। निर्मला जी घर पर नहीं है, वो मंदिर गई है, तो आपको मंदिर के रास्ते में मिलेंगे। तो मैं उन्हें वहीं से भागा ले जाऊंगा। देखिए, आपने फैसला ले ही लिया है, अब मैं क्या बोलूं? बस इतना ही कहता हूं, ऐसा कुछ भी मत कीजिए जिससे आपको और निर्मला जी को मुसीबत में फंसना पड़े। नहीं भीम, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं अपना मुंह छुपा कर जाऊंगा। अरे बस निर्मला जी सही सलामत जाए इनके साथ। भीमराव, याद रखना, एक दिन आएगा जब तू इस बंबई शहर की गली गली में माफी की भीख मांगते हुए घूमेगा, जैसे कि वो निर्मला मांग रही है। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।
माफ कर दीजिए। हाँ, तुझे कोई माफी नहीं देगा भीमराव। तेरे पीछे माफी मांगने वालों की लंबी पंक्ति होगी। और पता है तेरे पीछे माफी कौन कौन मांगने खड़ा होगा? तेरे पीछे तेरी ये पत्नी रमा, तेरा ये बूढ़ा बाप। अगर ये जिंदा रहा तो। अरे बुढ़िया, अगर ये भी जिंदा रही तो, और उसके पीछे तेरे भाई भाभी रिश्तेदार वगैरह सब। लेकिन भीमराव, तुझे माफी कोई नहीं देगा। पता है क्यों? क्योंकि उस समय तू पूरे शहर का ही नहीं बल्कि पूरे समाज का गुनहगार होगा। भीमराव भीमराव काकी, आप कौन है? क्या हुआ? भीमराव, तुमने मेरे बेटे से कहा था ना कि वो मजदूरी छोड़ के पढ़ाई करे। वो पढ़ा और आज देखो, पूरे 5 साल के बाद जिस कारखाने में वो मजदूरी करता था, आज उसी कारखाने में 10 मजदूर उसके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं। झुक झुक जियो भीमराव, झुक झुक जियो बेटा। सुनकर बहुत अच्छा लगा काकी। काकी, हाँ? प्रचंड देव जी, वो जो आपके पूरे शहर का हिसाब है, अब तो वो अधूरा रह जाएगा, क्योंकि कम से कम ये तो नहीं मानती है कि मेरे पति गुनहगार है। और क्या पता एक दिन सिर्फ शहर ही नहीं बल्कि सारी दुनिया मेरे पति की एहसान मंद हो जाए। छोड़िए, बेशरम, पराए मर्द के साथ भाग रही थी। तूने इतना भी नहीं सोचा कि तेरे भाग जाने से जो हमारी बच्ची को चीज है वो भी खत्म हो जाएगी। अरे, अपने देवर के साथ भागने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती हो? उस समय मैं अपनी मर्जी से नहीं भाग रही थी, पर अब चाहती हूँ कि काश भाग चुकी होती। आप लोग मेरे आई बाबा होकर भी मुझे नहीं समझ पाए, तो इससे अच्छा तो वो है ना जो मेरी जिंदगी की बात करे, मेरे मलहम की बात करे। अब कोई बात नहीं होगी। अब जिंदगी की मरहम की कोई बात नहीं होगी निर्मला। अब बात होगी मौत की। अब बात होगी जहर की। इसे पी ले निर्मला। हम कह देंगे लोगों से कि उससे ऐसा अपराध हुआ कि मारे शर्म के जहर पी लिया और मर गई। कैसा लग रहा है अभी आपको निर्मला? अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? आपकी हालत ठीक नहीं है, सुनिए। अरे कहाँ? इस बार तो तू भाग निकला, अब चल, लोहे की जंजीर से बांध कर रखेंगे। देखते हैं कि कैसे अब तू वापस निर्मला के पास आता है।
चाहे जो हो जाए, तुम्हारा और निर्मला का कभी साथ नहीं होगा। ये तुझे भी बहुत अच्छे से पता है निर्मला कि तू और वो अभय एक साथ नहीं रह सकते। इसे